ईडी के सामने सरेंडर के लिए चिदंबरम की याचिका कोर्ट में खारिज, जेल में ही रहेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑड इवन रूल की जरूरत नहीं, 2 साल में दिल्ली होगी प्रदूषण से मुक्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को कारोबारी उद्देश्य से मिली विदेश जाने की मंजूरी। बांग्लादेश ने भारत से सटी सीमा पर लगे सभी पिलरों से पाकिस्तान का नाम हटाया। 9/11 की बरसी पर कोर्ट पर टावर से टकराता प्लेन बने होने को लेकर मिलानिया की हुई आलोचना। पीएम को पत्र लिख गहलोत ने किया राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने का अनुरोध। गणपति विसर्जन महोत्सव के दौरान महाराष्ट्र भर में 18 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 2024 तक हम नए संसद भवन में होंगे। गोवा में नौसेना तेजस की पहली बार हुई सफलतापूर्वक अरेस्टेड लैंडिंग। ईडी ने अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता डी शिव कुमार और उनके परिवार के पास 317 खाते हैं और करीब 200 करोड़ की नकदी की लॉन्ड्रिंग की। सिर पर बाउंसर लगने के बाद रसेल को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा, भेजा गया अस्पताल।